हेलो, वेलकम टू माय चैनल। रेडियो D3 क्लब में टीम बनाते समय ये गलती मत करो, क्योंकि आप लोग इस गलती को हर दिन करते हो और भी नहीं कर पाते हो। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि BBL थर्ड मैच HEA वर्सेस REN के बीच में खेला जाएगा। अब HEA और REN क्या है तो मैं बताना चाहूँगा कि BBL का थर्ड मैच, BBL मीन्स बिग बैश लीग का थर्ड मैच, ब्रिस्बेन हीट वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में खेला जाएगा, जो कि BBL की टीमें हैं। ठीक है, अब इस जो टीम बनाओगे आप D3 क्लब में, जो आप टीम बनाओगे उसमें आप लोग क्या गलती करते हो उसको तो मैं बताऊंगा, साथ में मैं आपको प्लेयर भी बताऊंगा कि कौन कौन से बेस्ट प्लेयर हैं कल के मैच के लिए। अभी एक्चुअली रात में मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन जब मैच शुरू होगा तो दूसरा दिन स्टार्ट हो जाएगा, और उस मैच में आपको कौन कौन से प्लेयर लेने चाहिए उनकी प्लेइंग पोजीशन भी बताऊंगा, उनके बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो मतलब A to Z आपको जानकारी मिलने वाली है। लेकिन पहले आप लोग गलती क्या करते हो उसकी जानकारी के लिए, जैसा कि ड्रीम इलेवन यहाँ पे देख रहे हो आप, तो मैं यहाँ पे चल के आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग गलती क्या करते हो, क्योंकि आप कल के मैच में भी गलती करोगे और रेडियो D3 क्लब की टीम तो बना लोगे लेकिन विन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने ड्रीम इलेवन को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको गलती बताने जा रहा हूँ, जो कि गलती आप लोग हर रोज करते हो और भी नहीं कर पाते हो। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिग बैश लीग का एक मैच है जो कि शो हो रहा है, ब्रिस्बेन हीट वर्सेस मेलबर्न रेनेगर्स। अभी से कितने घंटे बाद है? 14 घंटे बाद। ठीक है, मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है जब आप लोग वीडियो देखो तो दिन हो जाए और दिन में आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, अब मैंने इसे ओपन कर लिया, इसमें कॉन्टेस्ट में क्लिक कर लिया। अब यहाँ से आप लोग टीम बनाते हो, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट टीम से। ओके, अब यहाँ पे आ गई सारे प्लेयर्स का नाम, ये विकेट कीपर सेक्शन है, उसके बाद बैट्समैन में जाऊँगा, ऑलराउंडर में जाऊँगा और बॉलिंग में भी जाऊँगा। अब आप देख सकते हैं पीटर हैंडसकम को 27% लोगों ने, सैम बिलिंग्स को 84% लोगों ने, और जेम्स पियर्सन को 4%, सैम हार्पर को 7% लोगों ने सेलेक्ट किया है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पर सैम बिलिंग्स को सेलेक्ट कर लोगे आप लोग टीम बनाने के लिए। सैम को सेलेक्ट कर लिया, सभी लोग करते हैं, एक लोग नहीं सभी लोग यही कर रहे हैं। अभी आप यहां पर सैम हार्पर को नहीं लोगे, जेम्स पियर्सन को नहीं लोगे, पीटर हैंडसकम को भी नहीं लोगे। अब बैटिंग सेक्शन में जाते हैं तो हम लोग क्या करोगे आप लोग, अब ऊपर से आप लोग शुरू करोगे, यहाँ से शुरू कर दिया। अरुण फिंच को 75% लोगों ने, उस्मान ख्वाजा को 63% लोगों ने, गप्टिल को 35% लोगों ने लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, जोनाथन बेल्स को 14% लोगों ने, और उसके बाद सैम हेन को 1% लोगों ने। आप क्या सोचते हो, क्या 1-2% वाले प्लेयर नहीं हैं? ये अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन इनका ये क्रेडिट कौन डिसाइड किया है? ड्रीम इलेवन ने डिसाइड किया। वो कैसे डिसाइड किया है? कौन कितने ज़्यादा मैच खेला है। अब आरोन फिंच तो हमेशा ही ज़्यादा मैच खेला होगा क्योंकि बहुत ही सीनियर प्लेयर है। अब ऑलराउंडर सेक्शन में भी उदाहरण दे देना चाहता हूँ, आंद्रे असल को 82%, लव चंगे को 72%, मैथ्यू रेंसा को 66% लोगों ने सेलेक्ट किया है। अब सबसे बड़ी गलती यहाँ पे करते हो आप लोग। अब ड्रीम इलेवन ने क्रेडिट डिसाइड कर दिया 8.5, तो आप लोगों ने ऊपर से दूसरा तीसरा ले लिया। अब मैथ्यू रेंसा को ऑलराउंडर में है लेकिन किसी काम का प्लेयर नहीं है, किसी काम का। इसका रिकॉर्ड देखोगे तो आप बेहोश हो जाओगे, लेकिन ऑलराउंडर सेक्शन में नंबर 3 में डाल दिया क्योंकि इसने ज़्यादा मैच खेले हैं। अगर सपोज दैट कोई ज़्यादा मैच खेलेगा तो उसका रन ज़्यादा होगा, उसके स्ट्राइक रेट थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए नंबर 3 पर रखा है। इसलिए किसने? ड्रीम इलेवन ने। तो आप लोग यही गलती करते हो कि सीनियर प्लेयर देख कर, जिसे सभी लोगों ने सेलेक्ट किया है, आँख बंद करके आप लोग ले लेते हो। लेकिन ये गलती मत करना और कभी मत करना। अब जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये बैजले और उसके बाद नेसर, ये प्लेयर नहीं है क्या?
बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर एंड ऑलराउंडर। नेसर को ऑलराउंडर नहीं बोलूंगा, बट मैं बैजले को ऑलराउंडर बोलूंगा। सीनियर प्लेयर है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग एंड बैटिंग करता है ये, ठीक है। और उसके बाद ऊपर निक मेडिसन आपको दिख रहा होगा नेसर के जस्ट ऊपर। क्या ये प्लेयर नहीं है, इसे आप लोग नहीं लोगे और D3 में तो बिल्कुल भी नहीं लोगे, क्योंकि आप लोग D3 का प्रेडिक्शन कैसे करते हो, ड्रीम इलेवन से। ड्रीम इलेवन में जिसे ज़्यादा लोगों ने सेलेक्ट किया है आप D3 में उसे जाके ले लेते हो। गलती कर रहे हो, ये गलती मत करो। ड्रीम इलेवन कैसे डिसाइड करता है मैंने बता दिया, जो प्लेयर सीनियर है अगर उसने ज़्यादा मैच खेले हैं तो सपोज ज़्यादा रन हो सकते हैं एवरेज में, उसी आधार पर ड्रीम इलेवन क्रेडिट डिसाइड करता है। और क्रेडिट सबसे अधिक से स्टार्ट होता है 8-7, फिर सबसे नीचे 6, फिर 5-4 ऐसे। अब बॉलिंग सेक्शन में चल के देखते हैं, जैसे केन रिचर्डसन का कितना है क्रेडिट 9, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 91%। स्टेगेटी को सेलेक्ट किया है, उसके बाद स्वेप्सन को 28%। भाई स्वेप्सन बहुत ही अच्छा बॉलर है। अब आप नीचे चले आओ, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, टॉम रोजर्स आपको दिखाई दे रहा है, टॉम स्टीवर्ट रोजर, इसे 3% लोगों ने, बहुत ही अच्छा बॉलर है, बहुत ही अच्छा टॉप का बॉलर है अपनी टीम का, ठीक है। लेकिन इसका क्रेडिट कम क्यों है, क्योंकि इसने कम मैच खेले हैं इसलिए क्रेडिट कम है, और ड्रीम इलेवन ने नीचे रखा है तो आप लोग नीचे आके देखते ही नहीं हो और ऊपर की तरफ जाके बस टीम बना के जिसे सभी लोगों ने 80% सेलेक्ट किया, 90% सेलेक्ट किया, आप लेके चले जाते हो और अच्छे अच्छे प्लेयर मिस हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग एक क्रेडिट देखने के चक्कर में और ड्रीम इलेवन के चक्कर में एक्चुअली गलती होती है, क्योंकि ड्रीम इलेवन सबसे ज़्यादा क्रेडिट वालों को ऊपर रखता है, उसके बाद कम क्रेडिट वालों को। लेकिन ड्रीम इलेवन को कैसे रखना चाहिए, परफॉर्मेंस के आधार पर। ड्रीम इलेवन परफॉर्मेंस ओवरऑल देखता है, ओवरऑल, ठीक है। तो ये गलती मत करो, अगले मैच से आप लोग ध्यान रखना। अब जो कल का मैच होने वाला है, सपोज दैट कल का मैच मतलब आपसे लगभग 12 घंटे बाद, वो मैच है ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न रेनिगेट्स के बीच। उसके लिए मैं आपको बेस्ट प्लेयर बताता हूँ और टीम बताता हूँ। तो चलिए इसके लिए मैं D3 क्लब ओपन कर लेता हूँ और D3 क्लब ओपन करके आपको वो 3 बेस्ट प्लेयर बताऊँगा जो कि आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए। अगर तीनों नहीं तो कम से कम एक ज़रूर होना चाहिए, तो आप लूज नहीं करोगे, और वो 3 तो बहुत ही बेस्ट प्लेयर हैं। तो इसके लिए मैंने D3 क्लब ओपन कर लिया। अब आपको यहाँ पे मैच दिख रहा होगा, ब्रिस्बेन हीट वर्सेस मेलबर्न रेनिगेट्स, अभी से लगभग 14 घंटे बाद ये मैच है। अब इसके लिए आपको कौन कौन से प्लेयर सेलेक्ट करने चाहिए, कैसी टीम बनानी चाहिए, अब इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, और जिन प्लेयर के बारे में बताऊंगा उनके गेंदबाजी पोजीशन और बल्लेबाजी पोजीशन भी बताऊंगा, जिससे आपको हेल्प मिल सके। और लास्ट मैच में जो अभी आज कंप्लीट हुआ है सपोज दैट, उसमें मैंने मैट शॉट के बारे में बताया था कि मैट शॉट को जरूर लेना, और आपने देखा होगा कि मैट शॉट मैन ऑफ द मैच था। इसलिए आप लोग प्रेडिक्शन को मेरे एक्सपीरियंस को एक बार ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो, ओके। तो ये मार्केट प्लेस मैंने ओपन कर लिया है, अब यहां पे आपको मैं वो प्लेयर बताऊंगा, केवल 3 ही प्लेयर बताऊंगा, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा आप लोगों का, इसीलिए मैं चूज करके लाया हूं। तो यहां पे सबसे पहला प्लेयर है आपका सैम हार्पर। सैम हार्पर कौन है, सैम हार्पर अपनी टीम का कौन है, विकेट कीपर है, और ये क्या करता है, बल्लेबाजी ओपनिंग बल्लेबाजी करता है, ओपनिंग आएगा, बहुत ही अच्छा हीटर है, जैसे पहले एडम गिलक्रिस्ट वीरेंद्र सहवाग होते थे ना हीटर, वैसा हीटर है, बहुत ही ज़्यादा तेज खेलता है, एंड नंबर 1 मींस ओपनिंग बल्लेबाजी करेगा और 100% टीम में खेलेगा। इसीलिए आप देख सकते हैं इसका जो सिल्वर कार्ड $23 में है, क्योंकि जो स्मार्ट लोग हैं ना उनको पता है, आप लोगों को नहीं पता है। स्मार्ट लोग कौन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग ये गलती मत करना। अब चलिए चलते हैं कि दूसरा प्लेयर बताता हूं कि दूसरा प्लेयर कौन है। मैं बैक आ गया, अब फिर से मैं सर्च करके आपको दिखाता हूं कि दूसरा प्लेयर कौन है, बेस्ट प्लेयर जो कि आपकी टीम में कम से कम होना ही चाहिए, अगर ड्रीम इलेवन बना रहे हो उसमें भी होना चाहिए। आज तो जिसने मैट शॉट को बनाया होगा वो 100% विन किया है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं दूसरा प्लेयर है जेम्स पियर्सन। अब जेम्स पियर्सन के बारे में बता देना चाहूँगा मैं, इसके जो कार्ड हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, पहले मैं एक बार टाइप कर लेता हूँ अच्छे से, ओके, यहाँ पे मैं टाइप करके आपको बता देता हूँ। तो ये जेम्स पियर्सन मैंने टाइप कर लिया, इसका ब्रॉन्ज कार्ड $2 और सिल्वर कार्ड
$9 ब्रोंज कार्ड, $2 सिल्वर कार्ड, $9 में मिल रहा है। लेकिन क्यों मिल रहा है $9 में? क्योंकि पब्लिक को पता ही नहीं जेम्स पियर्सन कौन है। लास्ट ईयर इसने BBL में ओपनिंग किया, ओपनिंग के बाद इसे क्या किया, जब ओपनिंग इनका सैम बिलिंग्स लास्ट टाइम नहीं खेला था तो क्या किया, फिर सैम बिलिंग्स जब आ गया तो इसे नंबर 6 पे खिलाने लगे। लेकिन नंबर 6 में भी आकर ये बल्लेबाज ऐसा था ना, हर मैच में हिट करता था, बहुत अच्छा फिनिशर था। तो अगर सैम बिलिंग्स नहीं खेलेगा सपोज दैट, तो कौन खेलेगा? सॉरी, सैम बिलिंग्स को छोड़ दो, सैम बिलिंग्स की बात ही दूसरी है। जेम्स पियर्सन अगर खेलेगा, इसे खेलने के चांसेस 50-50% है, अगर खेलेगा तो ये ओपनिंग कर सकता है, अदरवाइज नंबर 6 पर करेगा। लेकिन टेंशन करने लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छा फिनिशर है, बहुत तेज खेलता है। तो नंबर 1 कौन हो गया? सैम हॉर्पर। दूसरा कौन हो गया? जेम्स पियर्सन। अब तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपकी टीम में होना चाहिए, अगर ड्रीम इलेवन में खेल रहे हो या D3 क्लब खेल रहे हो तो उसमें ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगला प्लेयर का नाम है निक मैडिसन। अब निक मैडिसन कौन है? अपनी टीम का कैप्टन है, कैप्टन। अब बताना चाहूँगा कि ये क्या करता है, BBL में नंबर 3 पे बल्लेबाजी करेगा, और कभी कभी तो ओपनिंग भी आ जाता है क्योंकि ये कैप्टन है, ठीक है। बट नंबर 3 इसकी पोजीशन फिक्स है, और बॉलिंग करता है पावर प्ले में, तो आप सोच सकते हैं स्पिन बॉलिंग करेगा पावर प्ले में, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेगा तो विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, जब क्योंकि पावर प्ले में गेंदबाजी करेगा, और नंबर 3 पे बैटिंग समझ सकते हो, पावर प्ले में बैटिंग करेगा, तो बहुत तेज खेलता है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है अपनी टीम का, इसे और कैप्टन भी है, तो इस प्लेयर को ज़रूर लेना चाहिए। तो आज ये 3 प्लेयर ज़रूर लेना कल के मैच में। अगर आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए BBL से रिलेटेड, अगर आपको टीम चाहिए मैच के तुरंत पहले, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।